उत्तर प्रदेश के अमरोहा में गंगा किनारे बसे किसानों की मारूसी जमीनें उन्हें दिलाने की मांग को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने बताया कि जिन किसानों की जमीन गंगा किनारे है उन्हें कई बार गंगा कटान की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि गंगा किनारे रहने वाले किसानों को हसनपुर प्रशासन की ओर से नोटिस भेजे गए हैं और जमीन फसलों को नीलाम करने की बात कही जा रही है और प्रशासन का ये भी कहना है कि वह जमीन वन विभाग की है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उनका कहना है कि वह जमीन किसानों की है और गंगा कटान की वजह से वह इधर उधर जाती है। कभी गंगा का कटान अमरोहा जनपद की ओर ज्यादा हो जाता है तो कभी जिला बुलंदशहर की तरफ ज्यादा कटान हो जाता है, इसी वजह से किसानों की जमीन इधर उधर हो जाती है। उन्होंने कहा कि वन विभाग से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन किसानों को परेशान किया जा रहा है। इसी के चलते जिला अधिकारी से मांग की है कि इस पूरे मामले को जांच कराई जाए और जिन किसानों की जमीनें हैं उनको वापस दिलाई जाए और उनको जमीन से बेदखल ना किया जाए ताकि उनकी गुजर बसर में कोई दिक्कत ना हो। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। हमारे जनपद में हसनपुर तहसील का बहुत बड़ा एरिया गंगा जी के किनारे है और बहुत कम से कम 100-125 गांव ऐसे हैं जो गंगा जी के किनारे रहते हैं और उनकी मारूसी ज़मीनें और बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जो गंगा जी के बंदे के पल्ली और हैं। इस बार हमेशा से 20-25 साल से लगातार वहाँ पे किसान गंगा जी की रेती और जो उनकी मारूसी ज़मीनें हैं उनके अंदर खेती करते आ रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गंगा जी की जो धारा है कभी कभी वो जनपद अमरोहा की ओर ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी कभी जो है बुलंदशहर जनपद की तरफ वो बढ़ जाती है, तो जो मारूसी ज़मीनों का सीमांकन है वो ख़त्म हो जाता है और किसान को ये मालूम नहीं रहता कि उसकी ज़मीन कहाँ पर है। आज तहसील हसनपुर की तरफ से बहुत सारे गन्ने के किसानों को, गेहूं के किसानों को नोटिस दिया जा रहा है और नोटिस दे के ये कहा जा रहा है कि ये ज़मीन जो है वो ग्राम समाज की ज़मीन है, बम विभाग की ज़मीन है और आपने जो फसल ये बोई है इस फसल को सरकार नीलाम करके आपका इसमें इस फसल को ना काटें नहीं तो खिलाफ आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी ने डीएम साहब से मिलकर ये मांग की है कि गंगा के किसान जो भी किसान हैं आप पहले तो इस चीज़ की जांच कराएं कि उनकी जो मारूसी ज़मीनें हैं कि उन्होंने अपनी मारूसी ज़मीन में वो रखा है या ग्राम समाज की ज़मीन में है। और अधिकतर ऐसे किसान हैं जिनके आसामी पट्टे थे लेकिन समय सीमा समाप्त हो गई। हम लोगों ने अनुरोध किया कि गंगा के किनारे रहने वाले हज़ारों किसानों जो गरीब किसान हैं जिनकी रोजी रोटी उसी के ऊपर चलती है और उनके परिवार का वही भरण पोषण करते हैं, तो डीएम साहब से हमने ये अनुरोध किया है कि वो लोग उन गरीब लोगों की जो फसल उन्होंने बोई है उन्हें फसल काटने की अनुमति दी जाए। यदि अगर कोई उनमें कोई रास्ता ऐसा निकलता है कि जिससे उनके जिस तरह से नीलामी खरीद ली जाती थी उसी तरह से हर वर्ष की तरह उन्हें सीमांकन कर दिया जाए, उनके पट्टे नाप दिए जाए और उन्हें पूरे पट्टे कर दिए जाए जिससे उनका जीवन यापन चलता रहे। गंगा माँ की है, गंगा माँ है, हजारों किसानों की रोजी रोटी का सवाल ये है, सवाल भी आपकी पार्टी का से सवाल है, ये सवाल भी और आपकी पार्टी से है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से लगातार किसान, नौजवान, व्यापारी उनके विरोध में काम कर रही है। आज अगर ये लोगों को, किसानों को फसल काटने का प्रशासन नहीं देता है तो मैं समझता हूँ कम से कम मेरे क्षेत्र के हज़ारों किसान ऐसे हैं जिनके आगे आने वाले समय के अंदर बच्चों की स्कूल की फीस जमा नहीं होगी, उनके बच्चों की शादियां नहीं होंगी, उनके घर में रोजी रोटी तक का लाला पड़ सकता है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।